जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सकारात्मक बातें, सकारात्मक वीडियोस हमेशा यहाँ आपको मिलते हैं। दूसरी बात है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें, और अगर आपको अच्छा लगे पूरा वीडियो देखने के बाद तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसका शुल्क है, पे करके बात आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़ा आदमी हम कैसे बने, आखिर कैसे हम बड़ा आदमी बने। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं हमेशा परामर्श में मुझे ये बात पूछी जाती है, सिर्फ एक ही प्रश्न कि आप मुझे ये बताएं कि हम बड़ा आदमी बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, किस फील्ड में बनेंगे, क्या बनेंगे। तो अगर ये प्रश्न कभी भी आपके मन में आया हो तो इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये एक मिथक है, बड़ा आदमी जो बनना और इस तरह की जो है ना, इसकी परिभाषा है हर एक लेयर पर, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। गाँव, शहर, मेट्रो सिटी और एक बहुत पीछे खड़े व्यक्ति, या एक अलग ही पूरा सिनेरियो होता है। हर एक व्यक्ति के लिए बड़े आदमी की एक परिभाषा अलग अलग होती है। बहुत से अपने पिता के जैसा बनना चाहते हैं, बहुत से लोग अपने दादा के जैसे, बहुत से लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी में कोई एक आइडल हो उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, पहले तो आप इनको साइड कर लें। वो इसलिए साइड कर लें क्योंकि मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़ा आदमी, हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो कला है, पहले तो हम उसका चयन करें और उसको पहचान करें। पहचान होगी तभी उसका चयन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में दो टैलेंट हो सकते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कुछ भी हो सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो वो खुद पहले खुद को ऑब्जर्वेशन करें, या आपको लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे कि यार ये बहुत अच्छा बोलता है, या ये बहुत अच्छा ये करता है ये। तो हम खुद को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो दुनिया तो हमें ऑब्जर्व करती है, चाहे आप इसे माने या ना माने। तो उस ऑब्जर्वेशन को उठा लें, ले लें और उस पर काम करना शुरू करें, सबसे पहली बात। और आइडल जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी के लिए सेट जरूर करें, लेकिन हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको वक्त देना होगा, और अपनी निजी लाइफ को और अपनी सार्वजनिक लाइफ को, दोनों को अलग रखना होगा। और अपने जो भी सब्जेक्ट कहने का मतलब है, जिस भी विषय पर आप काम करना चाहते हैं उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि निजी लाइफ, सार्वजनिक लाइफ, ये सभी जो दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे होता है कि हम बराबर से काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी को भूलकर कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए और उस पर फोकस करें। धीरे धीरे आप जब काम करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और एक बहुत बड़ी यात्रा है दोस्तों, और उसमें साथ साथ ईश्वर का जब भी है। तो यही एक सही तरीका है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।